हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है। और दूसरी बार भी होगा तो इंदौर ही में होगा और राहत इंदौर ही साहब का ही होगा। परसों पहले राहत साहब ने एक शेर कहा था, पूछते क्या हो कि रूमाल के पीछे क्या है, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। 50 साल शायरी का ये बांध आज टूट गया और पूरा इंदौर शायरी में, मोहब्बत में और जज्बात के सैलाब में डूब गया है। मैं राहत साहब के लिए एक मतलब पढ़ता हूँ, स्वागत इरशाद, जो इनका सफर रहा है और जिस तेवर से, तेवर एक चीज है जो शायरी में भी होती है, वो तेवर राहत साहब की शायरी में भी है, उनकी शख्सियत में भी है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। इंदौर में आपको इस बात के लिए भी सलाम करता हूं कि आपने अपने हीरे को मिट्टी में नहीं मिलने दिया, अपनी पलकों पर सजा कर उसे कोहिनूर बनाया है। क्या बात है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। शेर पढ़ता हूं कि एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, एक झलक देख के, एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, उसको पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। और फायदा ढूंढने वाले ये तिजारत ना करें, इश्क के सौदे में नुकसान लिया जाता है। इश्क के